पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलाए सको ता आए उन सा गडो कर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आए मौसीकी जी महफिल सुबह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आए सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध सा गड मां तवां जी मेज़बान सहर शहरिजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते भलारी भूजे हर शहर हर नगर हर गोठ हर गाम मुल्का मुल्क डे पर डे जिते जिते बसाने मुसाफिर आवाज़ जो पखी पहुंची चुको है जिते जिते बसाने अक्स नजर अची रहे हैं उन सभी दिसन वारन मौजिज़ नाजरीन के अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग असा उम्मीद कयूं था कि तहां सब खुश आबाद ए सलामत हुंदो ऐं पंहिंजे पंहिंजे घरनि में ऐं पंहिंजी पंहिंजी जेका रुटीन लाइफ आहे उनखे ॾाढे सुहिणे नमूने सां तव्हां ॾाढे सुठे तरीक़े सां तव्हां अदा कंदा हूंदव ऐं जेके पंहिंजा रुटीन जा कम आहिनि उहे ॾाढे सुठे तरीक़े सां तव्हां निभाईंदा हूंदव ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां की अॼु जेको प्रोग्राम आहे अॼु कंटेंट जेको आहे उहो इलाही ख़ासि आहे असां सभिनि जे लाइ इलाही ख़ासि आहे छो त असांजे मुल्क में जेका असांखे ख़बर आहे जेका असांजी यूथ जी क्वांटिटी है उहा जनरली सभिनि खां वधीक आहे मतिलबु असां 70% असां वटि जेके यंगस्टर्स आहिनि पाकिस्तान में उहे रहनि था ऐं उहे कनि छा पिया अगरि उहे सुठे तरीक़े सां सुठे बहितरीन तरीक़े सां अगरि उहे कमु कनि या पंहिंजे वतन जे लाइ रिप्रेज़ेंट कनि असांजे वतन खे त उहो ॾाढे सुहिणे तरीक़े सां करे सघनि था पर मतिलबु जनरली इहो आहे की असां सोचींदा पिया आहियूं कि जेके ॿार आहिनि उहे पढ़ाई कनि ऐं पढ़ाई करण खां बाद उहे जॉब्स कनि डिफरेंट ऐं छा छा कनि असां जनरली ईअं सोचींदा पिया आहियूं ऐं ॿियूं डिफरेंट शयूं आहिनि जेके जिन्हनि में असां चाहींदा आहियूं की असांजा ॿार जेके आहिनि उहे इन्वॉल्व रहनि पर जनरली जेके ॿार आहिनि उहे तालीम खां अलावा उन्हनि जूं एक्टिविटीज़ छा आहिनि सोशल मीडिया खे हू यूज़ करण जे बजाए मिसयूज़ कंदा पिया आहिनि या हुननि जूं जेके फिज़िकल एक्टिविटीज़ न आहिनि गेम्स अॼुकल्ह न आहिनि खेॾींदा जेके यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे इलाही एनर्जेटिक हूंदा आहिनि पर उन्हनि खे एनर्जी अञा वधीक सुठी जेके शयूं आहिनि उन्हनि में उन्हनि खे उनखे यूज़ करणु खपे जीअं हू गेम्स खेॾनि जीअं हू पंहिंजे मुल्क खे रिप्रेज़ेंट करण जे लाइ को वॾो कमु कनि या जेके पंहिंजा टैलेंट आहिनि उन्हनि खे हू उभारनि या पंहिंजे टैलेंट खे जेके स्किल आहिनि उन्हनि खे पॉलिश कनि ऐं असांजे जेके यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे काफ़ी दफ़ा ईअं हूंदो आहे की उन्हनि खे सुठा प्लेटफॉर्म न आहिनि मिलंदा या सुठी गाइडेंस न आहे मिलंदी या मां ईअं चवां की अवेयरनेस जेका असांजा वॾा आहिनि उन्हनि में बि एतिरी अवेयरनेस न आहे हूंदी की असां पंहिंजे ॿारनि खे कीअं डील कयूं टीन एज आहे तूं केॾा सेंसिटिव आहिनि उन्हनि खे कीअं डील कजे या हुननि खे कीअं सम्झण जी ज़रूरत कीअं हूंदी आहे ऐं जेके यंगस्टर्स आहिनि उहे बि उन टाइम में थोरो ईगो जा मसला बची वेंदा आहिनि जॾहिं टीन एज में ईंदा आहिनि ऐं ॿिया बि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके उहे प्रॉब्लम्स आहिनि जेके फेस कंदा पिया आहिनि ऐं ईअं ई तव्हांखे ॿुधायां की असांजी जेका अॼु जी कोशिशि आहे अॼु असां मतिलबु यंगस्टर्स जेके असांजे मुल्क जा आहिनि उन्हनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असांजा जेके स्पेशलिस्ट हूंदा जेके गेस्ट हूंदा उहे बसि असां इन ई टॉपिक जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा की कीअं असां पंहिंजा जेके वतन जा जेके ॿार आहिनि जेका असांजो सरमायो आहिनि जेके असांजी टीन एज आहे या जेके यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे कीअं असां सुहिणे तरीक़े सां गाइड करे सघूं था या छा आहे जेको हू करे सघनि था कहिड़े तरीक़े सां हू पंहिंजे मुल्क जे लाइ थोरो घणो कंट्रीब्यूट पंहिंजो जेको कमु आहे उहो करे सघनि था या कंट्रीब्यूशन पंहिंजा जेके स्किल आहिनि उहे कंट्रीब्यूट करे सघनि था ऐं उन्हनि जा जेके सोशली जेके इशूज़ आहिनि उहे कीअं सॉर्ट आउट करे सघजनि था कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि जेके फेस कनि था उन्हनि ते असां प्रॉब्लम्स ऐं उन्हनि जे सोल्यूशन्स ते असां ॻाल्हाईंदासीं इनशाला ऐं इते ॿुधायां की तव्हां असां सां गॾु जुड़ी सघो था कॉल्स करे सघो था लाइव ऐं जनरली असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल हूंदी उहा ईअं ई हलंदी इनशाला ऐं यकीन अॼु जेको आहे तव्हांजी कॉल्स बि लॻी वेंदियूं आहिनि डिफरेंट जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं असांजे विच में हलंदियूं ऐं मौसीकी जी महफ़िल बि असां सां गॾु हूंदी ऐं ॿियूं जनरली ॿियूं इलाही सारी शयूं हूंदियूं जेके असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जिन्हनि सां प्रोग्राम में असां अॼु जिन्हनि खे ॻाल्हियुनि खे वधाईंदासीं पर हिते तव्हांखे ॿुधायां की टाइम जेको नंढड़े ब्रेक जो थियो असां ब्रेक ते वञूं था वापसि अचो त गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध
मल्लिकार्जुन चंदासी एक दफा बीहर तहांके तहांजे पंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असानी गाल बोल आज जेका यूथ असानी केड़ा केड़ा प्रॉब्लम्स फेस करे थी उन जो सॉल्यूशंस केड़ा इन उनते असानी जेके असान स्पेशलिस्ट जेके मोसेस गेस्ट इन उनसे असानी गाल बोलंदी पर जेके गेस्ट इन उन इंट्रोडक्शन का बगैर जेको असान प्रोग्राम है वो इनकम्प्लीट है आण पूरो है माई चंदम तो उन जो इंट्रोडक्शन है तहांके कराईंदी अला एकड़ी एड़ी पर्सनालिटी अस सगत मौजूद है डाटे प्राउड फखर जी गाल हुंदी है जरे यंगस्टर्स असान जे मुल्क जे लाए एक्टिवली एनर्जी सा पॉजिटिवली जैसे कम कन था ढे प्राउड की गाल हूँ फखर से इंट्रोडक्शन कराया कि असा सर एकड़ा अड़ा सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जेके पीपीपी जो है पीपल्स पार्टी है जो है उन सिंध यूथ विंग जो उन्हें प्रेसिडेंट भी सोशल एक्टिविस्ट भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी उन्होंने यूथ के लिए कड़ा कम क्या उन्होंने काज छा की सॉल्यूशन जो गोल्या अस उन्होंने गाल बोल कह गुड अज मौजूद हैं जावेद नायब लिगारी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुम ठीक हो बा तुम ठीक हो तुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया मैं बिल्कुल ठीक आया असानी गाल बोल जेका मैं मुख्तलिफ गाल जेके हवाला इन शयों इन जिनन से मैं ता सा गलन चाहया पे पूछन चाहया पे इन ते असानी गाल बोल जारी हन ता के बुधाए नाजरी अस सकर एकड़ी बी पर्सनालिटी मौजूद है एकड़ो बियो सुरीलो सिंगर अस सकर मौजूद है जडे गाल यूथ जी हले पई जडे नौजवानन जी हले पई तेकड़ो एड़ो नौजवान अस सिंगर घुरायो है जें जी आवाज जेका है वो दाडी सोणी ए खूबसूरत आवाज है ताहा के ब वणदर है असा के वणदर है दाडी खुशी थिंदी है जडे असा जा नौजवान जेके न वे अगते अची असा जे पंजे स्किल जेके हैं वे पॉजिटिवली यूज़ कन पांजे वतन जे लाए असा सगद वॉइस ऑफ सिंध सीजन 2 में असा के नजर आया पोजीशन होल्डर आया सोनू कुमार असा सगद मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भा ता सोनू ठीक हो बिल्कुल ठीक ता बुधायो पंजाबी ता अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आया ता के बुधाया के असन जेका सत है पूरी असन जी टीम ता सगद मौजूद है सजो जेको क्रू है कैमरामैनस हैं गरो गरो असन जेका म्यूजिशियंस हैं ता के बुधाय देला मोहरम नाज भा असन म्यूजिक डायरेक्टर असा सगद मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आसिफ अली भा असा जो तबला नवाज हैं वो भी अस मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम असा वेलकम चंदी जी असा गेस्ट हैं तहाँ जी मैं मशहूर आया शुक्रगुजार आया कि तुम टाइम कढ़ी कीमती टाइम कढ़ी तुम वट आया सजी टीम जी मां शुक्रगुजार आया यकीन तहां जनरली तहां ब असा से जुड़ी सको ता फोन कॉल से जरिए सवाल जवाब करे सको ता यूथ के हवाले से सब का अगमित मां तहां का पुछनम जावेद भा असा के तहां बुधायो कि तहां जो आजकल मसरूफियत छ है मसरूफियत जी त टे महीना अग में मुख्य पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध जो प्रेसिडेंट किया वो उनखा अस यूथ के मोबिलाइज कर डिस्ट्रिक्ट वाइज पैं टूर क्या हुआ तो उन्होंने मोबिलाइज कज उन्होंने मीटिंग्स कजन उन्होंने मिलजे अक्रॉस द बोर्ड न सिर्फ पीपल्स पार्टी से लागापिल पर बे अस यूथ में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर क्या विजिट क्या उतने व्यासों उतने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मिलियासूँ उनमें कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुई कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुई उनखा अस मोबिलाइजेशन एक तमाम बेहतरीन एक्टिविटी कई हाँ अस फ्यूचर प्लान के हवा से असो इशू है नई तनजीम साजी कज ऑर्गेनाइजेशन के रीबिल्ड कज ऑर्गेनाइजेशन में नवन दोस्तों के मौको दिजे तो वही अगते अचन कोशिश ये है बेहतर तरीके से जितो अस मोबिलाइज कर सकूँ वो क्यों सही मुख्य पैं तो यो बुधायो कि तहां जनरली जो असा यूथ है असा 70% जो नौजवान असि कंट्री में रहन था उन्होंने कड़ा प्रॉब्लम्स दिसो था ऐसो हाँ ये है जो न्यू सेंसस थो उनमें मोर देन 60% पॉपुलेशन यूथ की है नौजवान की काफ़ी तादाद है इशूज ये तो हाँ अस इनके इशूज के डिवाइड कदा मुख्तलिफ सेगमेंट्स में एक तो अस सोशल इशूज आज यूथ जहाँ नंबर सेकेंड तो अस पोलिटिकल इशूज भी पैं जगह जो यूथ के फेस करना पवन था इकोनॉमिक इशूज तो हाँ जी सोशल इशूज में अस तो है एजुकेशन जो वो मसलो है छो तो अस प्राइमरी एजुकेशन पो मिडिल पो सेकेंडरी जो एजुकेशन है तमाम वीक है अक्सर यूथ असो तबर है जो अर्बनइजेशन है अजा एतरी नी तो रूरल एरियाज में अस यूथ जो है वो घो है उतने असा उन पोलिटिकल इशूज आज पोलिटिकल इशूज यो तो उन्होंने पोलिटिकल इंगेजमेंट काफ़ी घट है उन्होंने सोसाइटी डिसओन करे थी वो पोलिटिकल एक्टिविटीज में ना अचन तो यूथ के तुम तदें इंपावर कर सकता जब वो इंगेज हूँ अगर एनर्जी पॉजिटिवली यूज कदा तो वो तद ही थी तो जैसे अवेयरनेस होंगी जैसे अस सिस्टम होंद जैसे इंस्टिट्यूशन बिल्डिंग होंगी जैसे माहौल होंद तो हर पॉपुलेशन के सेगमेंट्स में डिवाइड कर इंपावर कर जी होंगे तो बाबा बार है बार की तरबियत कें थे
उनकी जेका है वहा तरबियत मिडिल क्लास में की कजे उनकी मैट्रिक में की कजे उनखा पो असा उनके यूथ में तो असा वट जने ग्राउंड ते ही शयो तमाम वीक हुंदी तो उनके जाहिर अल्टीमेटली यूथ के ही फेस करनो पवे तो यकीनन है काफी सारी शयो है जेके फेस भी कंदा ए डिप्रेशन में मुने जगह ले आवेना है स्ट्रेस में ले आवेना है उनका सॉल्यूशंस छाइन दिसो सोसाइटी में मुजे तमा के जो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन लेवल हुए ही घणो है उन या डिफरेंट रीजन है जे मु तमा के बुदायो सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज है जैसी तई सोसाइटी उन्होंने इंगेज न कंदी यूथ में जैसी तई उन्होंने सोसाइटी ओन न कंदी उनके पॉलिटिकल लेवल ते ओनरशिप मिले जी स्टूडेंट काउंसिल्स हैं यूथ काउंसिल्स हैं जैसे यूथ काउंसिल्स होंगी तो जाहिर है इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट असा पढ़न था तो उनके ओनरशिप मिली तो ही अगर मैं मिसाल एक कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो कराची यूनिवर्सिटी में जी एमफिल क्या पो तो कराची यूनिवर्सिटी में जैसे अस यूथ काउंसिल होंगी स्टूडेंट काउंसिल होंगी तो जो असा इशूज हैं फीसिस ट्रांसपोर्टेशन ज क्लासेस जहाँ मुख्तलिफ इशूज अस फेस क्यों था तो अगर उतरे असि काउंसिल होंगी जिते असो वो जैसे सोसाइटी लिसन कदी यूथ के तो ऑटोमेटिक उन स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन लेवल डाउन थी वर्ल्ड वाइड यो है यूरोपियन मॉडल जो है गवर्नेंस उ भी है बो तो यो सोशल सिक्योरिटी अस वे स्टूडेंट की जी यूथ जो जो मैटर्स मिसाल जॉब ज इम्प्लॉयमेंट इशूज हैं तो जो जॉब क्राइटेरिया अस वट अस जॉब केतरियन अवेलेबल मार्केट में उनखा पो असो यूथ केतरो मार्केट में अचे तो उन्होंने स्किल्स केतरा अगर तुम बगैर स्किल्स के यूथ के तुम मार्केट में मोकिंदा रहो तो जाहिर है उन्होंने सोसाइटी भी ओन न कदी इन करे ही तमाम कॉम्प्लेक्स इशू है इन ते तमाम घट डिपेंड थे अच्छा इन ते मां हमेशा सोचिंदी रहंदी है इहा जका गाल है ता कई यकीनन ये यूनिवर्सिटी स वट इलाही गणियो इन पास आउट हर साल असा के यंगस्टर्स से के न डिफरेंट फील्ड्स में असा के वो स्पेशलिस्ट नजर अचन ता पर उन वट जॉब्स ना इन हुंदी वो प्रॉब्लम्स फेस करना पे बिल्कुल यो मसलो है यो जेन सॉल्यूशन छ है सॉल्यूशन दिसन मु तो आगे छ वो तो ओवरऑल सोसाइटी जो स्ट्रक्चरल इशू है तो अस जॉब क्रिएशन केतरी है और मिसाल एक अस इंडस्ट्रियलाइजेशन तमाम घट है कराची में है लाहौर में है फैसलाबाद में है ठीक है तवाजी 90% इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह 3-4 मेजर सिटीज में है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में तवाजी इंडस्ट्रियलाइजेशन है को जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन न होंगी तो ऑटोमेटिक जो असो छोकरो सांगढ़ जिले के या लाड़काने जिले के कें बहराड़ी में निकरे तो वो ऑटोमेटिकली वो कराची शहर में ही हाँ। पर अगर उतें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जे तो असाया जो स्किल्ड छोकरा है उन्होंने उतें जॉब मिली वे हाँ, वो फैमिली का परे भी न रहा तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है इनते एक मैसिव डिबेट थे घुर्जे इनते पॉलिसी मेकिंग थे घुर्जे इनते इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थे घुर्जे इनते अस अजा गलाइंदा इन सॉल्यूशन अजा बया केड़ा थी सकंदा छो इलाही सारा मसला है जेके अस यंगस्टर्स ता एज अ बीइंग यंग ता फेस कया हुंदा अस फेस कयो तो जनरली ये आहन सोनू बिल्कुल जी हाँ मुझे करंटली हाँ मुझे ग्रेजुएशन पूरी थी कंप्यूटर साइंस में जो जॉब्स की गाल हुई तो सर आई एम ऑल्सो सर्चिंग वही गाल उनका बाद में छो जो वाकई में जैसे अस यूनिवर्सिटीज में पढ़ा आयूँ एतो वर्डन हों मत चार साल पैंजा जिंदगी जो दींदा आयूँ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स अल हों मतलब जैसे कर म्यूजिक का ही मतलब एतो परे थी चुको वॉइस ऑफ सिंध का बाद में हाँ मुझी ग्रेजुएशन पूरी थी उन बाद में मतलब एट आखिरकार म्यूजिक म्यूजिक एंड म्यूजिक ना यो तो है यकीनन म्यूजिक जो है अरू की किसा है वो भी जरूरी है ता, पर ये जो तहांजो प्रॉब्लम जो है वो जनरली तहांजो ना है सबिन जो है असन जो भी उते उन सबिन जो है इन सॉल्यूशन असन जो के असन जा यंग असन वट बैठा इन भा वेठा अस इन गलसी तुम असकी गाल बोल जो है वो सॉल्यूशन से बलदी प्रॉब्लम से बलदी जनरली तक यो बुधायो कि बुधाइंदा छा बिल्कुल हाँ मैं लजपाल आंदे लड़ लगी ढो सुठो मतलब कलाम मैं लजपाला दे लड़ लगियां
मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पाना दे लड़ लगियां मैं लज पाना दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पाना दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पाना दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे दुआवारल करो सयो मेरा मुर्शिद नरुस जावे जांदे वो जूंदे जी मरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे लड़ लगियां मेरे तो
गम परे रे दे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूते हरे रे दे मैं लज पाला साईं तू न करे साईं सुहणी अंदाज में गानो गायो ॾाढी सुरीली तव्हांखे लाइव ॿुधणु अञा वधीक ख़ूबसूरत ऐं प्यारो आहे त तव्हांखे कीअं लॻो केॾो सुहिणो आवाज़ु आहे माशाला माशाला ऐं यकीन असांजा जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे असांखे उन्हनि जा स्किल आहिनि ईअं पॉलिश करणु घुरिजे उन्हनि खे ईअं अॻियां आणणु घुरिजे सुठे प्लेटफॉर्म से त जीअं असांजे वतन जो हू अॻियां हली नालो इंटरनेशनली या असांजे वतन जो नालो करे सघनि या रिप्रेजेंट करे सघनि हिते तव्हांखे ॿुधायां की टाइम जेको आहे असांजे असांजी ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ शयुनि ते हलंदी पर टाइम जेको हिकिड़े नंढे ब्रेक जिते असां ब्रेक ते वञूं त वापसि चयो त घर रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध भलीकार चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा असांजी जेका यूथ आहे उन ते हले पई उन्हनि जे प्रॉब्लम्स उन्हनि जे सॉल्यूशन्स ते हले पई ऐं असां सां गॾु जावेद भाउ मौजूदु आहिनि जावेद भाउ मां तव्हांखां पुछणु चाहियां पई एज़ अ यूथ विंग प्रेज़िडेंट तव्हां कहिड़ा एजुकेशन प्रॉब्लम्स कहिड़ा था ॾिसो असांजी जेका यूथ आहे उन में ॾिसो एजुकेशन प्रॉब्लम एजुकेशनल जेके प्रॉब्लम्स आहिनि तमामु घणा आहिनि असां वटि उन जो डिफरेंट रीज़न आहे रीज़न मूं जीअं सवेरे तव्हां सां ॻाल्हि कई त उन जो हिकिड़ो स्पेशल इशू आहे असां वटि त माण्हू तमामु घणो रूरल एरियाज़ में रहनि था पोइ रूरल एरियाज़ में असां वटि जेके एजुकेशन जूं जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि हायर सेकेंडरी एजुकेशन थिए या इवन मिडिल जेका असांजी एजुकेशन आहे उहा थिए ईअं थियो त असां वटि यूनियन काउंसिल में हिकु ॿ मिडिल स्कूल हुजनि था ऐं यूनियन काउंसिल में असांजा जेका पॉपुलेशन हूंदी आहे उहा तक़रीबन 70-80 हज़ार माण्हुनि ते मुश्तमिल हूंदी आहे ऐं उन में 60% असांजो यूथ आहे त अंदाज़ो लॻायो त असां वटि एजुकेशनल जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे ग्राउंड लेवल ते केतिरा आहिनि वरी थोरो मथे असां अचूं था जेको मेट्रिक या इंटर क्लास में त उहो ई कॉलेजिस जा जेके इशूज़ आहिनि हिकिड़ो त इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू आहे बयानु पियो कयां उनखां पोइ जेके फीसिस जा मैटर्स आहिनि त माण्हू अफोर्डेबल न आहिनि ज़ाहिर आहे असां वटि जेको सिलेबस आहे एॾो महांगो आहे स्टेट जेका आहे उहा वॾी कोशिशि करे थी त असां माण्हुनि खे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ॾेई सघूं पर छो त हाणे जॾहिं प्राइवेटाइज़ेशन जो ज़मानो आहे त सेम टाइम ते जॾहिं तव्हां वटि स्टेट जा इंस्टीट्यूशन आहिनि ऐं पैरेलल वरी प्राइवेट जेके स्कूल्स आहिनि उन्हनि जूं फीसिस ॾिसो तव्हां त ऑटोमेटिकली माण्हू जेके आहिनि उहे ज़ाहिर चवंदा असांजा ॿार जेके आहिनि उहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अचनि सुठी तालीम पढ़ाइनि सुठी तालीम लाइ त जॾहिं स्टेट पंहिंजी जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उन तां विथड्रॉ करे थी त माण्हू ऑटोमेटिक जेके नॉन जेके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आहिनि उन्हनि ॾे वञनि था ऐं उते फीसिस एॾियूं घणियूं आहिनि एतिरियूं आहिनि जो माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे ऐं अल्टीमेटली उन जो नुक़सानु जेको आहे उहो असांजे प्राइमरी मिडिल ऐं पोइ हायर सेकेंडरी एजुकेशन खे फेस करणो थो पए सेम टाइम असांजो जेको यूनिवर्सिटी जेका एजुकेशन आहे उन में ईअं ई आहे इशू उहो ईअं आहे त असांजा छोकिरा जेके आहिनि उहे हार्डली 3-4% जेके आहिनि उहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन ताईं पहुचनि था ग्रेजुएशन लेवल ताईं बाक़ी जेके आहिनि उहे अॻु में ई पोइ पंहिंजो रोज़गार जेको हुनरी सिखिया वठनि था या वाटेवर उमेदु हारे था वञनि
ظاہر ہے چھو تو ڈسو نا جو میٹرک یا انٹر جو اسٹوڈنٹ ہے اگر ان کے پیسہ گھر میں نہ ہوں تو ظاہر ہے وہ کمائی دو جد وہ کمائن شروع کر تو وہ گریجویشن مکمل نہ کر وہ یونیورسٹیز میں نہ ویسے ان کرے اصا وٹ جو یونیورسٹی میں انرولمنٹ ریشو ہے وہ تمام گھٹ ہے ہارڈلی اسان جو 2-3-5% جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں سندھ یونیورسٹی میں شاہ لطیف یونیورسٹی میں پہنچے تو باقی اسان اسٹوڈنٹ نتھا اچن تو وہ ظاہر ہے وہ کھانا تھا ونجن وہ وی وہ سوسائٹی میں رہن تھا یوز لیس تھی کرے وہ وی مختلف پرابلمس ڈے جے کا تو خبر ہے الکوہولک تھن تھا ڈرگ ابیوزر تھن تھا ڈپریشن میں ہلیا تھا ونجن سٹریس لیول ودی تو ونجن سوسائٹی ریشو کے ودیو ڈاڈو ودیو تو ینگ چھوکرو ہانے جے انجینئر ہون سوسائٹی کرے چھڑی ظاہر ہے اکڑا پرابلم سے ان کے ایسا فیس کریوں پیا بالکل بالکل تو وہ یہ ہوتا ولنریبلٹی جکا ہے نا وہ ودی تھی انسان چے تو بابا مجھے ہی جے کے خواہشوں ہیں یہ پوری تھن جڑو وہ نتھیوں تھن تو ظاہر ہے ان وٹ بیو کو اپشن نہ ہے سوسائٹی میں اسا وٹ یہ ماحول ہی کونے تے بی کے انگیج کجے جو کو کرے پیو برائی میں ونی پیو تو ونن دیوس جن تھی دو نا اسا وٹ کے چار چنگا گڑجی کرے انن کے ویاریندا ہیں تے بابا ہی تما ہن راہ دے ونیو پیا ہی غلط راہ ہے دی نہ ونیو پر اسا وٹ سوسائٹی ڈس اون کرے تھی انن کے اونرشپ نتھی ملے تو ظاہر ہے او پٹ رگ بیزر تھن تا پو موالی تھن تا نشئی تھن تا چھو تے اسا وٹ جے کہ چھوکرا ہیں انن تے اکڑو جنرلی سوسائٹی جو انن تے نکڑو ہندو ہے زور ہندو ہے کہ تہاں ہن کمائندا ہو تہاں ہی کندا ہو شروع کئی شے سکھاری ویندی ہیں پو جنے پیرنٹس پیسو خرچ کرن تا اکڑو ہاری ہے پاجے بار کے کی بنن میں کھیڑو کرے محنت کرے پڑھائے تو ہے پڑھن کا بعد ان جی تیو ہوندو ان کہ مجھے بار پڑھے پیو اج ڈگری جڑے ملی ویندی ہی اسا کے پالیندو یا ہی اسا جو جو گھر ہے ان کے پالیندو ظاہر ہے یہی ہوندو ہے نا ایکسپیکٹیشن سنیو ہیں پیرنٹس ظاہر ہے ان کے الٹیمیٹلی کرن ہوندو ہے ان کے والدین ان کے وڈو کندا ہیں ان کے پڑھائیندا ہیں ریورس کرن ہوندو ہے ان کے ریورس کرن ہوندو ہے ان کے پنجی فیملی کے اون کرے ان کے اگتے ودھائن ہوندو ہے پر اسا وٹ یہ نتھو تھے تما دسو تھا نو تو مو تو کے سویرے جی بیان کیو تو کمپلیکس ایشو ہے ان تے ڈسکشن تھے ان تے ڈبیٹ تھے جو تو سلیبس میں ہوجن یہ شیوں تو اساں وٹ کی انن جی جکا گروتھ انن جی کی تھے انن کے کی پڑھایو ونجے تو تما جی جکا فیملی بلڈنگ ہے وہ کی تھی دیو انن میں جکا امپلائمنٹ تما کی حاصل کدو ایجوکیشن تما کی سیلف میڈ جو انسان ہوندا جی او کی تما او پنجے پان کے تما ٹھائیندو پر اساں وٹ سلیبس میں بھی یہ شیوں نہ ہیں ائی ڈبیٹ دین ان تے ہے کون سوسائٹی جو ایشو ہی نہ ہے نیریٹو ہی نہ ہے بیان ہوندو ہے نا کہ سوسائٹی میں تما گلائیندا ہے ود کا ود تے بابا ہی ایشوز ہیں ان تے گلائے ونے اسا وٹ بین شین تے گلائے ونے تو مذہبی طور تے تمام گھنو مانو گلائن تھا اسا وٹ سوسائٹی میں ہر شے میں مذہبی طور تے ہر شے کھڑی اچو تھا ایکسٹریمسٹ گھنا ہیں اسا ایکسٹریمسٹ یا پولیٹیکلی اسا گھنو ان تے گلائیو تھا پر جڑے تما جو بار جڑا وہ وڈو تھے تو وہ ینگ ایج میں اچے تو ہو جڑے ایڈو کمپلیکس شے دسے تو ان میں پیرنٹس جو رول ہے ان میں سوسائٹی جو رول ہے تو اسا وہ وتھڑا کرے تھے چھڈوں تو بابا ہی پانے وڈو تھی وی تو پانے یونیورسٹی وی تو اتنے چھا تو کرے انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہے سیم ٹائم سے یہ انسٹیٹیوشن میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہے تو آیا اتنے کلاسوں تھن تھوں چھو تو ڈسو نا یونیورسٹی میں جدہ یوتھ پہنچے تو اتنے اگر کلاسز ہی نہ تھیں دوں اتنے کامریڈی کلچر ہوں اتنے ہر شے کے اسا پولیٹیسائز کندا سوں اور پولیٹیسائز کندا سوں ہاں جھیڑا جھٹن میں پئی ویندو یا اور ریلیجیس کندا سوں کہ معاشرے کے جی جی تو سوسائٹی ظاہر ڈس بیلنس تھی ان کا جو اسا جو رزلٹ اچے تو وہ پاکستانی سوسائٹی ہے تمہیں سوں یہ تو ہے اچھا مکھے یہ بدھا کہ اساں جا جے کہ نوجوان ہیں وہ پولیٹکس کا پرے چھو ہیں آئی مین وہ تاہا وانگر یا اگے اچھی ہو ریپرزنٹ چھو نہ کر پاکستان دسو نو مو جے تہا کے سویرے بیان کیو تو اساں جا جے کہ اساں جو یوتھ ہا وہ ڈس انگیجڈ ہا جی وہ ہر شے کھا ڈس انگیجڈ ہا نہ صرف پولیٹکس پر بیوں بھی جے کہ سوشل ایکٹیوسٹ جے کا ایکٹیویزم ہوندو ہا نا تو تما پاڑے میں یا کمیونٹی میں ایک ارگنائزیشن نڈی ٹھائندا ہو تو اساں جے کہ وی گھر ہیں اساں پاڑے وار ہیں ملی کرے ہی شیوں کہ سٹریٹ لائٹس لگایوں تھا اساں صفائی کیوں تھا اساں انہی کا پرے ہیں پولیٹکس تا ہے ان جو نیکسٹ سٹیپ تو پولیٹکس میں مانو نیکسٹ سٹیپ میں ہندو ہے پہریاں جے تما پنجی سوسائٹی کے صحیح کندا ان کا پو تما پولیٹکس میں انٹری دیندا ہو تو اساں وٹ چھا ہے تے ہکڑو تو پولیٹیکلی تے نظام نہ ہے ہر مانو چھو تو یہ فیل کیو ویندو ہے تو بابا غریب جو بار پولیٹکس میں انٹری نہ تھو رہی سکے ہاں ای چھو ہے پر یہ نہ ہے اساں اماں بھی ای آیا تے ظاہر اساں گراؤنڈ کھا متھے آیا ہوں اساں کے وڈی کے فیڈل فیملی سان اساں تعلق نہ ہے پر جڑا اساں اوتے آیا اسوں تے ظاہر اوتے ہارڈ ورک کیو سی اوتے محنت کی سی تے اوتے ظاہر پو پارٹی اونرشپ دی تھی ایں اگر اساں جا جے یوتھ ہیں جے سٹوڈنٹ ہیں اوے پارٹی میں یا مختلف اں نہ تو چاں رگو پیپلز پارٹی میں شامل تھے پر مختلف پارٹیز میں تھے ہکڑو جمہوری جو کو تواں جی روایت ہیں انہن کے برقرار رکھی کرے اگتے ودن جے سوسائٹی پو انگیج تھی دی انگیجمنٹ جو جو کانسیپٹ ہے وہ ایندو تو مانو پولیٹیکل انوالومنٹ پو پوزیٹو چینج جو کو اچن شروع اساں ڈسو ووٹ ہی نہ تھا کر یوتھ اساں جو ووٹنگ والے دی جو اساں جو شہرن میں یوتھ ہے یا بہراڑی میں ہے وہ آرام کندو ہے
इवन कराची में तुम ऐसो इलेक्शन वो ढी जो है वो कार ट्रैफिक जैम न होंगी हर मू आराम कह चव वीकेंड आज छुट्टी जो ढी न होजन घुर्जे उन ढी सब जिम्मेदार शहरी थी करे जैसे तुम लाइक कर उनके वही वोट कर जी इतने स्मूथ ए पॉजिटिव चेंज अचे ऐसो ना तुम ऑल्टरनेट डिफरेंट आन अगर तुम कें भी पार्टी से इख्तिलाफ है तो तुम पैं पार्टी क्रिएट कर सोता पाकिस्तान में हर जमहूरी मू के हक है तो वो जो वोट कास्ट कर सके तो वो पैंती पार्टी फॉर्म कर सके तो सही थी ये जैसे तुम हाईली इंगेज हों मेन उन रीजन यो है असट एजुकेशन ना एजुकेशन ना बिल्कुल इो तक चेंज कहो बुदा कि पॉलिटिक्स में क्या आया इन बैकग्राउंड है ऐसो अस एरिया का ताल्लुक रखू तो असो फैमिली में उतरे रहा मुझे ब्रदर हो वो वो पा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वाइस प्रेसिडेंट रहो उन असि फैमिली तमाम घनी स्ट्रगल कई उतरे पॉलिटिक्स के हवाले से उन जैसे मां निकतस तो जाहिर उनकी मुझे ब्रदर की डेथ थी वही अर्ली लाइफ में वो काफ़ी उन्हें सीवियर टॉर्चर उतरे दिखो जाहिर अमरियती दौर हुआ मुशरफ जो जमानो काफ़ी टफ उन्होंने रो हैदर लगारी अस वो भाव उन वही जैसे अस भी जाहिर नंढे हूँ का ग्रोइंग असि थी पोलिटिकल फैमिली में जैसे कराची यूनिवर्सिटी में आयस कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ो कोशिश कस क्लासों सब वा नंबर भी सुटा इंदा अना तुटा अचन था उन पॉलिटिक्स में आयस मेहनत कम उत पार्टी अलहमदुल्ला अस चेयरमैन साहब यूथ है पा बिलावल साहब यंग है काफ़ी हाईली एजुकेटेड है हाईली क्वालिफाइड है वो शेयर के समझे तो ऐसे तो शेयर के काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया से एक्टिव है तुम्हारा हों उनके हर शहर में वे तो हर मानू सा मिले तो यो बता सोशल मीडिया के एज अ पॉजिटिव टूल की ना यूज कर सो मीडिया जहाँ बेसिकली पार्ट है मीडिया जो ना उनके थोड़ो सेगमेंटाइज क्यों था उनके सोशल मीडिया जो नालो दूँ था हर शे जहाँ नेगेटिव ए पॉजिटिव यूजेज आन हर शे जहाँ द सेम टाइम्स उनो पॉजिटिव है सोशल मीडिया जो नेगेटिव है पॉजिटिव यो है तो एक जो एक्सेसिबल शन तमाम घड़ी जे अस हाँ काफ़ी तब्दीली है मीडिया एडो एक्टिव है हाँ है तो मुख्य कें दोस्त सही पाकिस्तान में 13 करोड़ रिपोर्टर है तो मो अजीब फील किया तो 13 करोड़ रिपोर्टर कि हों अस उन 13 करोड़ मानू सेलुलर मोबाइल जो यूज़ कन था उन्होंने वट मोबाइल है तो वो किथे भी फेसबुक से या इंस्टा से या ट्विटर से वो लाइव वीडियो शेयर कन था जाहिर रिपोर्टिंग था कन तो मुझे वाकई अस जैसे मास कम्युनिकेशन में अस पढ़े हुई फर्स्ट ईयर में उत ये वो तो अगर तुम का भी शे कम्युनिकेट कर था तो यह मीडिया है जी। तो सेम टाइम यो ही है तो बाबा तुम्हारा मानू उत मौजूद आन का भी नेगेटिव अगर रिपोर्टिंग का शे थे थी सोसाइटी में तो उनके ऑन स्पॉट उनके रिकॉर्ड कन था उनके शेयर कन था जैसे वह पब्लिक थे थी तो हर मानू उनको इनपुट दिए तो फीडबैक जो भी कॉन्सेप्ट है उनमें तुम फेसबुक से का पोस्ट रखो था वट एवर नेगेटिव हुए या पॉजिटिव हुए तो उनके हेठ वरी फीडबैक अचे तो उनको भी बी अचन था फीडबैक पॉजिटिव भी अचे तो नेगेटिव भी अचे तो समटाइम्स क्रिटिसिज्म लाजमी है का भी शे था तो उनको क्रिटिसिज्म लाजमी है इवन मैं पा ट्विटर से फेसबुक से तमाम घो एक्टिव आया जो पोस्ट रख तो उन जा पॉजिटिव कमेंट्स में दान उन जा मुझे लाए नेगेटिव जो हर के नो माइंडसेट डिफरेंट है हर को पंजो माइंडसेट है असा पंजो एक्सप्रेशन दिनो है आई हु पंजो जो को एक्सप्रेशन है वो ते रखन था कोशिश या है त असा जके भयो गिरजी करे सोसाइटी में ओवरऑल त बाबा जो को सोशल मीडिया है उनके पॉजिटिवली यूज कछे हां दिसो ना हां यूरोपियन सोसाइटीज है या जो के वेस्टर्न माशर है वे हाली मैच्योर्ड है उनन वट एजुकेशन लेवल एडी हाई है जो हु उनन के जरूरत ना है तो हर मानू ते फेसबुक ते बैठो असर नई शे मूँ उनके एंटरटेनमेंट पर्पज में यूज कन था ट्विटर के एंटरटेनमेंट पर्पज में भी यूज कन था जैसे सोसाइटी ग्रो कंदी जैसे मेच्योर थी वी तो ये शे असो नॉर्मल होंद उन पॉजिटिव गाल लिखा जो वेस्टर्न माशरे में थे तो एकड़ी गाल शुरू में कही कि असट यूथ है वो इंगेज ना है शेयर में अस इंगेज ना इन कर ही सोशल मीडिया के घड़ो यूज कर इन कर ही नेगेटिविटी के पास घड़ो आयो बिल्कुल वो ये है जैसे तुम्हारे पीयर ग्रुप वीक हों फ्रेंडशिप जो वीक हों तो ऑटोमेटिकली मू आइसोलेशन में जैसे हलो तो आइसोलेशन में उनको बो को मू ना जो जैसा वो एक्सप्रेशन में अचे या जैसे एक्सप्रेस करे तो सोशल मीडिया से वट वा लगाई तो बाबा हि भी गलत आ गलत आ ओके हि गलत है हू गलत है पर तुम सोल्यूशन है उनको शूँ अस चाहूँ था तो बाबा हि एजुकेशन अस ना फॉर एग्जाम्पल
तो पो असा वट सॉल्यूशन छ है उनजो मु पहची पर्सनालिटी में मु केडी कोशिश की है त असा एजुकेशन के पॉजिटिवली खणू या असा वट ब्या जके इश्यूज हन उनन के असा की अगते हाईलाइट करे उनजो सॉल्यूशन बुधायो सही प्रॉब्लम तवा सब असा सब हाईलाइट करे सको था इलाही सारा मसला है इलाही सारा मसला पर उनके सॉल्यूशन उनजो की बुधाइंदा सो मेन इशू यो है त सॉल्यूशन उनजो छ पर यो भए ना असा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन की करदा सी इनते असा गाल बोल अजा जारी रखना सी मखे बुदायो सोनू असा सगरे त असा को गानो बुदू सोनू मखे यो बुदायो के तहां म्यूजिक किता सिखियो है प्रॉपर्ली क्लासेस वटे जी मुजो उस्ताद आए उते मा बेसिकली कनकोड का आया उते मुजो उस्ताद आ उस्ताद गुलाम सरवर जन जो नालो आ उना खाई मा मतलब सिखियो आ अच्छा हाने छ बुदाइना असा के हाने नुसरत फतेह अली खान साहब जन जो को सुन चरखे दी मिठी जेके मुझे मुताबिक त ट्रिब्यूट देण एकरे किस्म जी मुझे लाए बात था हां वो बुधा ता बस बुधा चरखा रमावड़ चरखा ते दुखा दिया पूरिया है मैं जू जू कती जावानी मैं होण पईया दूनिया कट सकदी ना कट सकदी ना कट सकदी ना कट सकदी वललिए कुड़िए नी तेरी पूरिया दी भरी हुई चिंगारी मेरे दिल विचों मेरे उठ दिए हूँ मेरे दिल बिचू मेरे दिल बिचों उठ दिए हूँ माया मैनू याद आवदा सुन चल के मिठी मिठी हूक माइया मैनू याद आवदा सुने चरखे दी मिठी मिठी हूक माइया विगत खुशियां मनावांगी मनावांगी माहिया में मनावांगी ओंदे रावां विच
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ ਦੁੱਖ ਡਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦੜੀ ਮਲੋ ਦੁੱਖ ਡਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦੜੀ ਮਲੋ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ ਉਸ ਦਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਜੇ ਸਾਡ ਉਹ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਝ ਉਜਾਏ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ ਵਿਖਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਵੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਪਰੀ ਦੁੱਧ ਕੀ ਵਸਣਾ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਓਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈਆ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ तव्हांखे ॿुधायां की असांजी ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ शयुनि ते हलंदी पई जेका असांजी यूथ आहे उन्हनि जे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन्स ते ऐं म्यूज़िक ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं पिया सोनू सां पर हिते जेको टाइम आहे नंढी ब्रेक जिते असां ब्रेक ते वञूं था वापसि थियूं था असां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध भली का चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ शयुनि ते हले पई यूथ असांजी जेके प्रॉब्लम्स फेस करे पई उन ते हले पई जेके उन जा सॉल्यूशन्स आहिनि उन्हनि ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं पिया असांजा जेके स्पेशलिस्ट वेठा आहिनि उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी सारी हलंदी हिते तव्हांखे ॿुधायां की हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी बि असांखे हिते जॉइन कयो आहे उन्हनि जो बि तव्हांखे थोरो घणो तारीफ़ ॾींदी हलां की असां सां गॾु डायरेक्टर आहिनि प्रोड्यूसर आहिनि कमर्शियली उन्हनि उर्दू साइड ते इलाही घणो कमु कयो आहे मां तव्हांखे मां वेलकम चवंदमि सैयद मोहसिन रिज़वी खे अस्सलाम वालेकुम I'm fine. How are you? Good, good. I'm very good. Bilkul. Thank you so much ki aapne time nikala aur aap hamare paas aaye. Thank you very much for inviting me. Bahut acha laga mujhe aap log bulate hain Sun TV. Generally hamari baat cheet jo hai na wo youth ke hawale se ho rahi hai. Aap mujhe ye bataye ki aapne commercial itna zyada kaam kiya hai. Pehle to mujhe sabse pehle ye bataye ki aap ki aaj kal masroofiyat kya hai. मोस्टली मैंने असल में ड्रामास बहुत बनाए हैं टेलीविजन ड्रामास बहुत ज़्यादा किए गवर्नमेंट चैनल सरकारी चैनल से भी उसके बाद प्राइवेट चैनल से भी अब मेरी कंपनी द फिल्म कंपनी पाकिस्तान हम कमर्शियल्स बनाते हैं टेलीविजन कमर्शियल्स जो आप ज़्यादातर देख रहे होते हैं तो मोस्टली हम कमर्शियल्स कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है यूथ के लिए यंग बच्चे पहले एक ज़माना होता था कि जी बहुत ही मुंतखब आर्टिस्ट होते थे जो टेलीविजन पे आ सकते थे कि जी सिर्फ वही लोग चंद आठ दस लोग हैं अब आप डेली नए लोग देख रही हैं जो टेलीविजन के पर आ रहे हैं अब बात वही है कि टैलेंट अगर आपके नज़र से भी टैलेंट है जी।
तो आप टेलीविजन के ऊपर आ सकते हैं, आप जरा सा भी टैलेंट है, जरा सा भी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, जैसे आप एक्टिंग अच्छी, बहुत सी मैं समझता हूँ लॉट जो है इस वक्त यूथ की वो आ रही है हमारे पास सामने, तो अपॉर्चुनिटीज फिर वही बात जो आप कह रही हैं बहुत ज़्यादा वसी हो गई। आप कैसे उनको इंकरेज करते हैं आई मीन इस फील्ड में आने के लिए या कमर्शियली काम करने के लिए, वो इससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अच्छा। अर्निंग, इतनी अर्निंग कोई नॉर्मल लोग उनकी एज ग्रुप के बेचारे जो काम कर रहे हैं किसी भी किस्म को वो नहीं कर सकते जी। जो बिकॉज जो मैं समझता हूँ 30 सेकंड के कमर्शियल में जो एक दिन का काम होता है जी। उनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो आम उनकी एज दो से तीन महीने। अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि आप वो आ कैसे सकते हैं इस फील्ड में या कैसे आपको मतलब वो कैसे जनरली रीच कर सकते हैं या देखिए सबसे आसान बात ये हो गई है अब इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी बात ये हो गई, पहले ही होता था कि उनको प्रोड्यूसर्स के पीछे फिरना पड़ता था, डायरेक्टर्स के पीछे या जाना स्टेशन चैनल के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं है, अब टैलेंट एजेंसीज खुल गई हैं बहुत सारी, जैसे सिट्रस टैलेंट एजेंसी है, आप जेनेसिस टैलेंट है, अजमल मुराद है, इस तरह और कोऑर्डिनेटर हैं। टैलेंट एजेंसीज को सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो छोड़ देते हैं, टैलेंट एजेंसी आपका खुद मेकअप करती है, खुद पोर्टफोलियो बनाती है, खुद आपकी पिक्चर्स लेती है, खुद वीडियो बनाती है, अपने पास रख लेती है। सिंस मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ या मैं क्लाइंट हूँ, जब मैं उनसे रिक्वायरमेंट करता हूँ कि मुझे एक लड़का या लड़की चाहिए जो कॉलेज गोइंग लुकिंग लगे और उसकी एज 20 से 22 साल हो, प्यारा हो, स्मार्ट हो, वो हमें 20 बच्चे दिखा देते हैं, लड़के दिखा देते हैं, हम उसमें सेलेक्ट करें यार ये दे दें, ये ले लें, ये ले लें, और उनका कॉन्टैक्ट, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, पेमेंट से डिसाइड कर लेते हैं, उनको पेमेंट कर देते हैं, हमसे हमारा कमीशन ले लेते हैं उनका, तो बहुत ईजी हो गया और सबको ही चांस मिलता है। अच्छा ज़रूरी ये भी नहीं है कि एक ज़माने में जैसे समझा रहे कि जी बहुत अच्छी शक्ल हो, खूबसूरत हो, तो शायद यही क्राइटेरिया है कमर्शियल मॉडलिंग करना, ऐसा नहीं है। आपने बहुत लोग देखे, बहुत लोग इस वक्त देखे जिनकी कोई शक्ल ऐसा नहीं है मगर वो टेलीविजन पर आ रहे हैं और वो बिकॉज उनके अंदर दूसरी सलाहियतें बहुत हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, गा अच्छा सकते हैं, कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, तो वो लोग सब सबके पास चांसेस हैं। दूसरी बात मैं कहूँ, आप जो बात कर रही हैं कि किस तरह आ सकते हैं, सबसे अब आपके पास एक आसान मीडियम और आ गया है जी। वो है ये फेसबुक और यूट्यूब, ये चीज़ें आपके पास आ गई, ये आपके अपने घर में हैं, आप समझते हैं आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कोई चीज़ ऐसी गाते हैं जो कोई और नहीं गा सकता, या कोई आप चीज़ ऐसी तो मिमिक्री, तो आप वो चीज़, वो सिंगिंग, वो मिमिक्री, वो कॉमेडी, वो आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दें जी। आप चंद दिनों में देखेंगे, अच्छा फेसबुक पर कर दें आप चंद दिनों तो कई 100,000 व्यूज आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, वहाँ आपका कांटेक्ट भी होगा, वो वर्ड ऑफ माउथ, आपने अली गुल पीर को देखा, वडेरे का बेटा, उसने गाया जी, जी, जी। या और बहुत लोग, और भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मिसाल है, काफी सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं और आगे आ जाते हैं, और हम लोग जो हैं वैसे भी टैलेंट की ना कहीं पे भी वो नहीं होती, आई मीन हर जगह पे अहमियत होती है, तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई टैलेंटेड ऐसा हमें नजर आ जाए। लाहौर का एक लड़का है वसीम शेख जी जी, उसके एड्स बहुत मशहूर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा, वो बेचारा ना मुफ्त में किसी के लिए भी ऐड बना देता था, मतलब ये नहीं करता था, कोई कहता नहीं था उससे लाइक कि कोई चाय है या कोई दुकान है, वो उसके लिए कहता था यार मैं बना देता हूँ, देखो मैं खुद अपने अपने यूट्यूब पर डालूंगा, उसका कोई चैनल नहीं था, उससे कोई नहीं कहता था, वो खुद डांस भी करता था, खुद करता था, वो इतनी वायरल होने लगी, लोग मजाक में इतना वायरल कि अब क्लाइंट्स उससे ऐड बनवाने लगे जी। अब उसको कहते हैं यार हमारे लिए ऐड बना दो और हम डाल, अब वो केबल पे भी लाहौर में पंजाब साइड पे चल रहे हैं, वो यूट्यूब फेसबुक पे चल रहे हैं, आपने भी उनका देखा होगा वो जो सिंगिंग। इस पे सर, इस पे हम लोग बात जो है इसको जारी रखेंगे, मैं सर से भी पूछना चाह रही थी, जावेद भाई असांखे यो बुधायो कि असां करियर ते गल है पे नौजवान जेके अक्सर ही हूँ कि चवंदा आहिनि, माइट चवंदा आहिनि कि मुंहिंजो पुटु इंजीनियर थिए या डॉक्टर थिए या वकील थी वञे, इवन मां आर्टिस्ट आहियां त पेरेंट्स इंकरेज न कंदा आहिनि, मूंखे कयो मुंहिंजे पेरेंट्स चयो तूं आर्टिस्टिक फील्ड में वा, पर जनरली पेरेंट्स चवंदा आहिनि कि हिन फील्ड में ना अचे मुझे बार जो है या नुकसान ना पहुंचे, तहां पॉलिटिक्स में की आया या मतलब वो की तहां चूज कई एज अ फील्ड फॉर यू? मु जे सवेरे तहां के बुधायो त जाहिर फैमिली में एकड़ो बैकग्राउंड हो जो उन खां पो मु एजुकेशन ए पॉलिटिक्स के बिनी के मेंटेन के ये कोनो तो मु एजुकेशन छडे दिनी ओनली पॉलिटिकल लाइफ मु ज्वाइन कई, मु बिनी के बैलेंस के अजीब आऊं जाहिर यूनिवर्सिटी विदो रंदो आया
जैं में हुस स्ट्रगल में हुस तो तदें भी आउं यूनिवर्सिटी वो रो सेम टाइम उनते वरी पंजी जगह पॉलिटिकल लाइफ है उनके मु कंटिन्यू कयो जाहिर हम वालदेन जी कोशिश हुंदी आ त असो जको बार आए वो कामयाब थे वो डॉक्टर थे इंजीनियर थे ये फील्ड्स जके आन वो 70s में अस वट चयो हुंदो तो डॉक्टर इंजीनियर वडी गाल हुंदा हां पर जाहिर आ एकडो पो जने सोसाइटी में ज़िया वारो ईरा जको आयो उन में छा थयो तो जको आर्ट्स या अस वट जको फनून लतीफा है उनके बिल्कुल ही साइडलाइन करे एकडो एक्सट्रीमिस्ट जको इंडोक्ट्रिनेशन है वा कई वे सोसाइटी में इनन शेयर के ब्रो समझो वे जको 70s जो पाकिस्तान वो थोड़ो डिफरेंट हो साई सीनियर है ने ही वधिक इनके बुधाईदा 80s वारो जको है 90s वारो पाकिस्तान वो तमाम घणो डिफरेंट हो तो उन में छा कयो वे तो वो एकडो एकडो माइंडसेट उने में सोसाइटी में वो इंडक्ट कयो वे तो बाबा ही शय जो सिंगिंग आए यो कुफर है मिसाल हां हां एक्टिंग आए यो भी कुफर है इवन असा में मा पेंटिंग कंदी आ ना मा भी शय बुदनी है कि ता पेंटिंग कयो ता इन में ता के साव जणो पंदो यो गुनाह हां साव जणो वो अगते मिथ्स है स्टोरीज ठाइनन मानो हां ये जके भी मिथोलॉजी है वो उने के साइडलाइन करे हां जो ही जो नो दौर शुरू थियो है जाहिर है ग्लोबलाइजेशन जो दौर है मॉडर्नाइजेशन जो दौर है इन में साई जी जो तो बाबा सोशल मीडिया एक टूल है तवा वट तवा पंजे पान के सेल्फ एक्सप्रेस करे उने के पब्लिक कयो था YouTube जे थ्रू या जे के तवा जा फेसबुक जा अकाउंट्स है या ट्विटर जा या इंस्टाग्राम जा तो उनन ते जदे तवा पान शेयरिंग कयो था तो पो हु शय सब लिखी वजन तो तवा के डायरेक्टर जी जरूरत है तवा के स्टूडियो जी जरूरत है पर ये बनाए ते यो ही ओनली वे फॉरवर्ड है असा सिर्फ फेसबुक ते ये बनाए असा वट कई एड़ा मानु है या अन्या ते जको है नेटवर्किंग जो असा वट बरेड़न में ना है उते मानु पे है ना उते जे के सिंगर तमाम बेहतरीन पे है ना उते तमाम घना एक्टर पे आया है ये बनाए तो उते उन्हें कहाँ खबर ना है तो खबर आ ये जगह दरगाहों या शराइन्स हैं इन्हें ते जो को म्यूजिक है आर्ट सुनो बैठो है भले पूछो तो उते ही वधक अप जगह है उते थे थी पर उते केर बस आवट उन्हें के हाईलाइट करने वालों को ने इन पर्सपेक्टिव में सोचा वहाँ बो यो तो जाहिर बी फील्ड्स भी एजुकेशनल जो फील्ड्स जो स्किल्ड जो इंजीनियरिंग जो फील्ड्स उनके जाहिर असि सोसाइटी में ऐसा पवो रुगो यो ना अस फनून लतीफा वे पास भी लगी वजू पर सोसाइटी में जाहिर एप्रिसिएशन लेट मिली है सोसाइटी में हाँ एप्रिसिएशन मिले थी वो तदें जैसे उत कमर्शियल सेक्टर उत आयो जैसे प्राइवेट सेक्टर उत आयो के जमाने में सिर्फ पीटीवी होंद उन रेंज हों तो सिर्फ वो कुछ कलाक पीटीवी हल्द बया प्राइवेट चैनल को हर इंसान वो चैनल है अच्छा मुझे ये बुधा कि तीन इंस्पिरेशन केर है तड़ो पॉलिटिशियन है जो तक घो वो है जैसे असारा अस वा थियाँ रीडिंग आउं शुरू का ही कस लिटरेचर के हवा से बुक्स के हवा से मुहतरमा शहीद असकी बीबी साहबा बेनजीर भुट्टो साहबा उनके ढो उनके उन्हें मुख्य इनकरेज किया बुनियादी तौर पर उन्हें रीडिंग्स उन्हें स्ट्रगल उनको 30-40 साल एक स्ट्रगल है एक लेडी थी करे वो तदें पॉलिटिक्स में आयु जो उन वाले साहब के फांसी से चढ़े वो उनखां पोइ हुननि जी वालदा ऐं हुननि जेका स्ट्रगल कई आहे मां चवां थो वॾो हिकिड़ो असां वटि जनरली पूरी फैमिली पर जेका मोहतरमा जो उनमें करेक्टर रहियो वाकई उहो असां सभिनि जे लाइ इंस्पिरेशन आहे तमामु घणो हर लेडी लाइ आहे पर न सिर्फ़ु लेडी लाइ असां ईअं नथा चऊं सिर्फ़ु लेडी हर माण्हू लाइ हुननि जी त हुननि कीअं स्ट्रगल कई आहे उहो सखर जेल हुजे या हुननि जा ॿार नंढा हुजनि हुननि खे उहो कच्छ में खणी करे उहो पाण वेंदी आहे कोर्ट में उते जज हुनखे ॿाहिरि विहारे थो छॾे 10-10 कलाकूं गर्मी में वेठी आहे सुबुह जो 10 बजे हेरिंग आहे मिसाल हिकिड़ो पिंडी जेल में ऐं उनखां पोइ हुनजी जज उनखे प्रोलोंग करे थो न चवे थो 4 बजे तव्हांजी हेयरिंग आहे ऐं हुनखे सीट बि नथो ॾिए हू धुप ते ॿाहिरि वेठी आहे त मां चवां थो वॾी हुनजी स्ट्रगल आहे ऐं हुनखे अञा पब्लिक कयो वञे न सिर्फ़ु हुनखे पोलिटिकल कैरेक्टर पर हुनखे एज़ ए सोशल कैरेक्टर त हुन कहिड़े हालात में हू अॻिते वधी ऐं ॾिसो न माण्हू डिस्करेज थी वेंदो आहे न चवे वेंदो आहे बाबा हीउ तव्हां सभेड़ा आहियो ऐं वञा थी मुल्क छॾे पर न हुन ये न कयो वालिद के जरे फांसी थी वने वडी गाल है वडी गाल हुन लाई हो त हुन लाई हो त तमा मुल्क छले ले आयो पर हु सखर जेल में रही है सखर जी तोहा खबर आ गर्मी नॉर्मल गर्मी सखर जी 40 का 45 डिग्री सेंटीग्रेड रही थी जेल में पो नंडो कमरो पो समझी सको ता एक औरत लाए छा एज एन इंस्पिरेशन असा उनन के वाकई वठी सको आइडियल आइज करे सको अच्छा हुन न या घणो कुछ सीखी सको ना उनन जी जर्नी मा बिल्कुल हुन न सिर्फ उनन पे पॉलिटिकल पर हु सेम टाइम इंटेलेक्चुअल हुई हु राइटर हुई हु एकेडमिक हुई हु प्रोफेसर हुई हु पढ़ाई दी हुई एक सुठी मां भी मां हुई उन बारन जी अपग्रेडिंग गई वरी हु ऑथर हुई उन बुक्स भी लिखा हु आर्टिकल भी लिखन उन में असा ये चंदा से कि दीप सुठी हुई जो जी पी चाहे हो पे तो ही पॉलिटिक्स में अचे या ही मतलब
अगवाण थिए तो उन अगवाणी करे रेखारी मतलब पाजे वालिद जे सो न आए हुन जे वालिद खे पे तो इतरो इत्मीनान हो तो हुन जेल मा उन दे लेटर लिखया जी 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 त जे नेहरू पंजी धी लाई लिखया हुआ ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री या मुख्तलिफ लेटर्स उन लिखया हुआ त इए वरी भट्टो साहब पंजी धी लाई लिखया ऐं पोइ उहा धीउ ॾिसो हुन माशरे मां निकिरी करे हिकिड़ी भिनल क़ौमी लीडर थिए थी जेका हू ऑक्सफर्ड में कैम्ब्रिज में टेक्सस में उते वञी करे हू उते जेको आहे उहो थिंक टैंक्स में कमु करे थी हू पढ़ाए थी पाकिस्तान जो इमेज केॾो सॉफ्ट ऐं केॾो सुहिणे तरीक़े सां रिप्रेजेंट कयो मतलब लीडर्स में क्रिएटिव हुंदा आहिनि ना तमाम घणा मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी सर कि आपने हमें कहा कि जनरली जो हमारे यूथ है वो एक अपना चैनल बन सकती है मतलब हम अपना चैनल बन सकते हैं अभी रात को मैं एक मूवी देख रहा था अभी कोई आमिर खान की एक मूवी आई है नई उसमें एग्जैक्टली ये चीज़ दी है कि एक बच्ची थी जी. उसको गाने का बहुत शौक था वो अच्छा गा सकती थी वो बट उसको रिस्ट्रिक्शंस थी कई तरफ से उसकी फैमिली की तरफ से खानदान की तरफ से उसके बाप की तरफ से कि वो नहीं आ सकती इस तरह नहीं गा सकती पब्लिकली नहीं गा सकती बट उसको ये था कि उसके अंदर एक टैलेंट है तो वो टैलेंट किस तरह आवाम तक पहुँचाए तो वो अपने लैपटॉप से यूट्यूब पर अपलोड कर देती है अच्छा। और YouTube से अपलोड करते करते वो कई लाखों लोगों एंड में उसको एक बहुत बड़ा जो उनके कंट्री का अवार्ड होता है उसको मिलता है अच्छा। इसी तरह अभी आप देखें ठीक है अगर मजाक उड़ाते हैं जो भी है एक एक साहब हैं लाहौर के ही शायद जिन्होंने आई टू आई गाया था ताहिर शाह साहब ठीक है आपको पता है मिलियंस एंड ट्रिलियंस उनके पास हिट्स हैं उनके उनके ठीक है हाँ। किसी तरह भी है कुछ भी कर रहे हैं जब मिलियन ट्रिलियन बिलियन हिट्स हैं उनके ऊपर तो उनको यूट्यूब उनको गूगल उनको बाकायदा पे करता है इस चीज का कि वो उन पे एड चलते हैं जनरली क्रिएटिविटी है ना आप इतने सारे लोगों को एंगेज करके रखते हैं एक क्रिएटर अच्छा उन्होंने अपना चैनल अपना खुद चैनल बना लिया अपने लोग बाकायदा इंतजार करते हैं जैसे मैं अभी उस वसीम शाह की वसीम शेख की बात कर रहा था उनका भी लोग इंतजार कर कब नई चीज आएगी हालांकि मजाक होता है जो भी होता है चेक बट उस पे हिट्स हैं जब हिट्स हैं लाइक्स हैं तो वो यूट्यूब और ये फिर ये उसको अप्रोच करते हैं कि जी इतने लोग देख रहे हैं तो हम एड लगाएंगे वो मिलियंस ऑफ रुपीज उनको पे करते हैं यहाँ पर कि जी वो इसलिए कि उनका तो ये दिए तो ये भी टैलेंट है लोगों को टैलेंट है वो करना एंगेज करना हर छोटा बिजनेस आप अपना कर सकते हैं पहले ये होता था कि जी अगर बिजनेस आपने बना लिया है या आप अच्छे कपड़े डिजाइन करती हैं या आपको अच्छी पेंटिंग्स करती हैं या चीज उसको कैसे सेल करें आपके पास अपने मीडियम है अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको आप हमारे यंगस्टर देख रहे हैं उनको गाइड कीजिएगा लेकिन यहाँ पे टाइम ब्रेक का हुआ ना दिन था असानी गाल बोल जो मुख्तलिफ शयुनि ते हले पई यंगस्टर्स की अगे अची सकंदा है पंहिंजे स्किल जेके आहिनि उनखे पॉलिश कीअं था करे सघनि पर हिते जेको टाइम है नंढे ब्रेक जो थियो असां ब्रेक ते वञूं था वापसि अचूं था सगर रजो ॾिसंदा रहंदो सलाम भलिका चवंदा से एक दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ शयुनि ते हले पई तव्हां बि ॿुधो पिया की असांजो यूथ जेका आहे उहा इलाही सारा प्रॉब्लम्स फेस करे पई पर उन मां निकिरी कीअं थी सघे असां पंहिंजे जेके स्किल्स आहिनि उनखे पॉलिश कीअं था करे सघूं इन ते असांजी जेके असांजा स्पेशलिस्ट गेस्ट मौजूदु गेस्ट वेठा आहिनि इन्हनि सां असांजी गुफ़्तगु हले पई सर हम बात कर रहे थे यूथ की आपने कहा इंगेज करके रखना लोगों को बहुत बड़ी बात होती है ये ऐसा वाकई है क्योंकि जैसे हमारे पास भी ये चीज़ मानी जाती है जैसे एक एग्जीबिशन लगी हुई है बहुत सारी पेंटिंग्स खूबसूरत है हर कोई एक ही तरह से काम कर रहा है एक पेंटिंग है जो खूबसूरत नहीं है लोग ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे तो उस आर्टिस्ट में टैलेंट है कि वो लोगों को इंगेज कर सकता है टैलेंट इंगेज कर सकता है लोगों को जी मैं ये बात करूँ कि अब इस वक्त दुनिया इतनी सिमट गई है आप लोगों के लिए कि उस वक्त कोई चीज़ मुश्किल नहीं पहले ही होता था कि जैसे अभी हमने एक छोटा सा कैंपेन की थी उसमें दिखाया था कि एक लड़की थर ये ओरिजिनल स्टोरी थी थर में थी वो से एक सहाफ़ी गई थी सिर्फ उस सहाफ़ी ने उसको देखा कि वो एक बहुत अच्छा कपड़ा बनाती है और वो बड़ा खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स के अंदर है तो उसने उसकी पिक्चर सिर्फ अखबार में लगा दी यहाँ लाके कराची में कि यार ये एक लड़की इतना अच्छा ये एक सेलर कंपनी ने उसको एड में बनाया उसके ऊपर पूरा अच्छा। कि एक लड़की इतना अच्छा कपड़ा बनाती है तो यहाँ की ख्वातीन यू नो के कपड़े पे और अच्छा कोई डिफरेंट चीज़ हो उनके उनके लिए तो बड़ा उनको एक वो होता है तो इन्होंने वहाँ से अप्रोच किया नगर पार कर करते उसने तो वो एक उसने फिर
फिर जो आजकल तरीक़ेकार आ गए हैं जो आसानी है पैसे आने की, ईजी पैसा यूथ, ये सब इसलिए है कि जी उसने वहां से कपड़ा भेजा थी वो ईजी पैसा उसको पेमेंट हो जाती थी। हाँ। तो उसको तो एक नई चीज मिल गई कि सोचिए एक छोटे से इलाके में नगर पार कर थर के इलाके में रहने वाली एक बच्ची लड़की जो बिल्कुल घर की बच्ची थी जो कभी बाहर नहीं निकली थी वो एक चीज बनाती थी, तो उसकी चीज सिर्फ ये हुआ कि हाईलाइट हुई। तो ये हाईलाइट जिनके पास ये मौके नहीं है कि वो अखबार में दे सकें, रेडियो टेलीविजन पे, वो फेसबुक पे आ जाएं। हाँ। वो यूट्यूब पे आ जाएं। जनरली हम लोग भी उनको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे वो चाय वाले का हमारे पास एग्जांपल है। जी 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 बिल्कुल इसी तरह हुआ ना ये चाय वाला। अच्छा अब छोटी छोटी बातें होती है अच्छी या बुरी, अगर आप जरा सा भी कोई शहर में कोई गलत चीज देखते हैं आपके पास ये मौजूद होता है कैमरा, आपने फौरन लिया और हाईलाइट कर दिया वो जैसे ही जाता। अच्छा अगर कोई बुरी सी चीज हुई है, लाकानूनियत हुई है, कोई चीज हुई है, ये फौरन इख्तदार तक ऊपर तक पहुंच जाती है बात की जी। जैसे आपने कुछ दिनों पहले देखा किसी ने लॉ एनफोर्समेंट वालों ने किसी के साथ कुछ किया था, वो आ गई, कुछ भी होता है। इसी तरह जो अच्छी चीज होती है, अगर आपको अच्छी चीज, आपने कोई फर्ज करें कि एक ये भी हुआ था कि एक लड़का कहता था कि जी मैं पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े हीरो से मिलता हूँ, उसकी पिक्चर आई वो हाईलाइट हुई, ये देखो देखो कितने कैसे मिलता है। इसी तरह वो लड़का अरशद खान जो था चाय बनाता था पठान, वो हिट हुआ, उसको बहुत बड़ी उसके मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो गई, टेलीविजन उसको फिल्म मिल गई, वो मूवी कर रहा है, वो कितनी चीजें कर रहा है। इस तरह गाने वाले लोग, रहीम शाह साहब को अगर आप देखें जी, जी, जी। इसने पिशावर से एक गाना गाया था, तो जो शादी की मूवी बनाते हैं ना, जो इसने उनसे 1500 रुपए में अपने गाने की मूवी बनवाई थी इस आदमी ने, पहले तो कभी कभी गम था। अच्छा। इसने एक मूवी बनवाई थी और वो मूवी कितना हाईलाइट हो गया, कितना आगे आ गया गाना। वो गाना इसका हिट हो गया, सिर्फ वो गाना जब चला तो वो हिट हो गया, तो उसके बाद आज रहीम शाह कितने बड़े माशाल्लाह फेम सिंगर हैं। तो मैं कहता हूँ ये प्लीज यूथ की मैं बात करना चाहूंगा कि काइंडली बिल्कुल डिसहार्टेड ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, आपके लिए बहुत मौके मौजूद हैं। हाँ। बहुत प्लेटफॉर्म मौजूद हैं आपके पास, आपके पास अपने घर में अपना प्लेटफॉर्म हो जाए, आप करें और हाईलाइट। अच्छा फिर सोशल मीडिया के पास बूस्ट का एक ऑप्शन होता है कि आप उसको बूस्ट करना चाहें जी। कि आपका एरिया देख सर्कल देख रहा है, पब्लिक कर दें तो फिर और लाखों करोड़ों लोग देखेंगे उसको। हाँ। इंटरेस्ट में डाल दें, किसका इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट, वो लोग पहले लोग अखबारों में छोटे छोटे ऐड देते थे कि जी वो आता था, अब वो जरूरत नहीं है उनको। सोशल मीडिया हाईलाइट। यहाँ पे भी आपने जो सहाफी लड़की की बात की कि वो नगर पार्कर की लड़की का टैलेंट जो था उसने उस पे न्यूज़पेपर में फोटो दी, अब हमें उसकी भी मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग जनरली किसी ट्रैफिक कांस्टेबल हम उसकी मिसाल ले लें, हम उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे स्टार ऑफ द डे करके हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। कोई शख्स भी अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। कोई अच्छा काम करता है प्रमोट, अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, लाकानूनियत कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, फौरन ऊपर जाती है। इस वक्त तमाम लोग आपके कैमरे से घबराते हैं, न सिर्फ आपके कैमरे घबराते हैं बल्कि उनको ये भी पता होता है कहीं से कोई और कैमरा देख रहा होगा उनको। सही। इतने शहर में इतने लोगों हजारों मुख्य सबके पास में कैमरे हैं। अगर कोई चीज हाईलाइट हो गई ऊपर चली गई जी। तो बात बहुत खराब हो जाती है। तो ये पॉजिटिव चेंज इससे आ सकता है। पॉजिटिव चेंज है, सिर्फ इस वजह पॉजिटिव चेंज है सबके हाथ में इख्तियार आ गया, अब हर चीज इख्तियार है कि वो लोग करना शुरू कर देते हैं। हेल्प कैसे होती है आप देखें जी। कि जी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई हो जाए, अगर अच्छा जैसे फर्ज का हुआ कि जी एक आदमी शनाख्त नहीं हो रहा, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं जी, है, फौरन पिक्चर लेके डाल देते हैं यार ये बंदा कौन है फौरन। हाँ। अभी की बात है। हाँ। दो दिन पहले के एक बच्चे जो गुम होते हैं उनकी भी वहां पे इतला आम कर देते हैं, वो मिलियंस में चले जाते हैं जो व्यूज है और लोग हेल्प करते हैं इससे। इस पे मैं आपसे और भी मेरे पास काफी सारे सवाल है जो मैं करना चाह रही हूँ गाइडेंस के लिए, यूथ के लिए। यहाँ पे मैं हमारे जो भाई बैठे हैं जावेद भाई, इनसे भी मैं पूछना चाह रही हूँ सर, मुस्तकबिल में तहां सियासत के छा था ॾिसो, मतलब तहां जी कैरियर जेको फ्यूचर प्लानिंग सां छा आहिनि? अब ॾिसो हींअर त असां ज़ाहिर आहे यूथ जी रीऑर्गनाइज़ेशन में आहियूं, हाणे फ्यूचर प्लानिंग इहा आहे त हिन में असां पॉज़िटिव कमु कयूं ऐं जेतिरो थी सघे असां बहितर तनज़ीम साज़ी करे हुन जा रिज़ल्ट ॾियूं लीडरशिप खे, इवन सोसाइटी में ओवरऑल असां हुन जो पॉज़िटिव हिकिड़ो व्यू खणी अचूं, त पॉलिटिक्स एतिरी ख़राबु न आहे जेको माण्हू चवंदा आहिनि। हाँ। या पॉलिटिकल जेके कैरेक्टर्स आहिनि उहे एतिरा ख़राबु न आहिनि जेतिरो माण्हू उन्हनि खे सम्झनि था। ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं माण्हू हर जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू पॉलिटिक्स जॉइन कंदा
तो असा वट एकड़ा सुठा फेसेस सुठा चेहरा पढ़ियल लिखल मानू उहे वधिक इनकरेज थिंदा त बाबा असा लाइव भी एकड़ो रस्तो यो आए जिए तमा चोपया सिंगिंग आए या मुख्तलिफ ब्या जके शोभा इन उनन में मानू अचन था ये मानू पॉलिटिकल जका लाइफ आए उने के भी कंटिन्यू करे सकन था जदे ता समझो ता ता में एकड़ा लीडरशिप जा स्किल हन ता सुठे तरीके से लीड करे तो सगो ता सोसाइटी के ता के खपे के ता इने फील्ड में अचो बिल्कुल बिल्कुल न सिर्फ लीड दिसो न रुगो यो न हुंदो ता असा लीड कयो पर असा फॉलो अप कयो न फॉलो अप करे असा फॉलो अप कयो उनन शयन के जेके पॉजिटिव आयन जेके असा लीडर्स करे वे असा लीडर न जाहिर असा सब फॉलो रहियो तो असा उन के फॉलो कयो आ उन जी लाइन के टो करे असा अगते माशरे के पूरो एंगेज करे असा अगते खणी हलो तो पॉलिटिक्स जो बुनियादी जो जो फॉर्मूलो यो है तो बाबा गुड गवर्नेंस थ्रू पॉलिटिक्स अस गुड गवर्नेंस क्यों जो साई वा गाल बाबा मानून वेटो टूल है तो का भी नेगेटिव शे मिसाल को ट्रैफिक पुलिस वार्डन है जो वो मानू का रिश्वत वेटे तो 200 रुपया तो असा उनके वीडियो से रिकॉर्ड कर फेसबुक से रखूँ ये कॉमन है असा वट पर हाँ इन इन अग में यो है तो ये छो तो करें ऐसो न जैसे गुड गवर्नेंस तुम वटी उन सही जो ट्रेनिंग थी उन सही पे किया 15,000 रुपया अगर पुलिस वार्डन की है तो जाहिर वो करप्शन कह अस वे 200 रुपया मूँ करप्शन लाइ दी है ठीक है जैसे उनकी सैलरी वही 50,000 60,000 70 तीन पुजी तो जाहिर वो 200 रुपया न वो हाँ। तो ये शूँ अस पॉजिटिवली खी सूंता उन तब्दीली अची सी पॉजिटिवली गुड गवर्नेंस अच्छी सके थी माशरे में ये ना इतना थी अच्छी सके छो न थी अच्छी सके अच्छी सके थी यकीन अच्छी सके थी हां सोनू मुके यो बतायो के ता जो जको हते ता वॉइस ऑफ सिंध में ता पार्टिसिपेट कयो उनो ता एक्सपीरियंस की रहयो बिल्कुल एक्सपीरियंस तई गाले न छो जो जी जेत्रो जिए त बार-बार स्टडी लेवल ते गाल अचे थी त मानु बेदो भी सिर्फ वजन दो सिर्फ एक्सपीरियंस लाए तो मुख्य वॉइस ऑफ सिंध में यह अच्छी खबर पी तो एक्चुअल लेवल से जैसे चैनल से मूँ अचे तो थी चाहे प्रोसेस चाहे कड़े नमूने से कम करन था वो प्रोसेस मुख्य अज तक कम अचे तो वॉइस ऑफ सिंध का बाद में मैं यूट्यूब चैनल उन का पेज ठाया इन मुख्य मतलब खोड़ सारी फीडबैक मिली है वॉइस ऑफ सिंध के थ्रू ही मतलब जी बिल्कुल सही सो नो संग हाने छ बुदाई नता हाने शाह लतीफ जी एकरी कॉफी है वो बस छा खपे शाह साईं जे जनेबित करू जे बस बिस्मिल्लाह के La 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 परचन शाल पवार डोला
मारू मुसाफर चन शाल पवार पर चन शाल पवार डोला मारू मुसाफर चन शाल पवार हो पर चन शाल हो परचन शाल पर चन शाल पवार डोला मारू मुसा पर चन शाल पवार हो पर चन शाल पवार डोला मारू मुसा पर चन शाल पवार जीलती दुनिया बड़ी घर की चखी कोई ना पूजे जिसका भी सखा हो जीलती हो जबरदस्त। थैंक यू सो मच।
मतलब मजो अच्छे बुधन वाला यकीनन जेके न उए उन्हें ढो मजो आयो ढो सुकून मिलो हों बुधी सोनू की प्यारी आवाज़ है तक बुधा नाजरीन असि पर्सनैलिटीज असि गाल जारी सारी हल्दी पर इतने टाइम में नंढे ब्रेक जिते ब्रेक से वनों वापस अचो तो सगर रहो जिसता रहो सलाम से वेलकम बैक चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजी ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ शयुनि ते हले पई. मां पुछणु चाहियां पई मोहसिन रिज़वी सर खां की सर हमारे पास जो यूथ है उनमें क्रिएटिव फील्ड्स में मैं हाईलाइट करूँगी क्रिएटिव फील्ड्स जैसे डांस हो गई जैसे सिंगिंग हो गई जैसे एक्टिंग है इनके डिप्लोमास हमारे पास फिर भी करवाए जाते हैं लेकिन हमारे पास डिग्रीज नहीं होती. अगर ऐसा बच्चा उठ के अगर वो सिंगिंग में मास्टर्स करे या उसमें आगे जाके मतलब पढ़ाई उसकी जो एकेडमिक्स है वही उसकी फील्ड हो या उसकी स्पेशलिटी जो है उसको पॉलिश करता रहे पढ़ाई में तो वो कितना आगे जा सकता है. देखिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं इस वक्त पाकिस्तान में देख रही हैं जो लकीली हमारे पास नैपा है जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो मुख्तलिफ सिंगिंग में डांस में मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है पढ़ा भी रहा है. अच्छा फिर मैं वही बात करूँगा माशाल्लाह पाकिस्तान इस वक्त हम जिस लेवल जैसे पूरी दुनिया भर में आइडल्स होते हैं इंडियन आइडल अमेरिकन आइडल इसी तरह पाकिस्तान आइडल्स आपने देखा टेलीविजन के ऊपर भी गया बहुत बड़े चैनल के ऊपर गया उसने हमारा बहुत सा टैलेंट यूथ जो था निकाला लाइक अमानत एक लड़का था मुख्तलिफ लड़के बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर गए बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी पहचान बनाई कि उनको मैं देख रहा था कि शाहरुख खान साहब ने उनकी तारीफ हमारे पास जैसे वॉइस ऑफ सिंध सीजन वन हुआ था तो यहाँ पे टैलेंट कितना ज्यादा निकला ऐसे बच्चे आगे आके अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस वक्त आप जैसे कहते ना कि हम एक जमाने में प्रोग्राम करते थे कि एक्टिंग चैलेंज या टैलेंट चैलेंज तो उस तरह की चीज अगर अभी आप एक टैलेंट चैलेंज अगर आप ले आए ना पाकिस्तान में एक टैलेंट आप देखिए कितनी पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह कितना टैलेंट है. हाँ. आप म्यूजिक में देख लें आप सिंगिंग में देख लें आप एक्टिंग में देख लें आप शो में किसी तरह भी आप देखें हर तरह का टैलेंट आएगा परफॉर्म करेगा वो आपके सामने और वो अपना दुनिया भर में लोहा मनवा सकता है. इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कहीं भी हमारा टैलेंट जाके परफॉर्म मतलब आप हमारे यहाँ के मुख्तलिफ लोगों को देखें जो वर्ल्ड में नाम पैदा कर रहे हैं अपना वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट जिनका पूरी दुनिया में देखा जाता है जिनका काम दे जिनको नाम तो पहचाना हमारे हाँ, प्लेयर्स लेजेंड्स हैं हमारे पास कितने ज़्यादा हमारे वी हैव हमारे यहाँ के प्लेयर्स आप देख लें हमारे जिन्होंने मतलब दुनिया जानती है शाहिद अफरीदी को पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है जहांगीर खान साहब को जानती है मुख्तलिफ जितने भी हमारे अच्छे खिलाड़ी खेले उनको जानते हैं हमारे सिंगर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं राहत फतेह अली खान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आब्दा परवीन जैसे सिंगर अलन फकीर जैसे सिंगर ये हमारे असासा हैं हमारे जो जो जिनको दुनिया पहचानती है मतलब, और हमारा जो जनरली बाहर जो एक है ना इमेज है उसको ऐसे आर्टिस्ट कितना क्रिएटिव और सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर देते हैं ना कि पाकिस्तान में इतने क्रिएटिव लोग रहते हैं इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं. एग्जैक्टली तो वो पाकिस्तान पहचाना जाता है. मतलब एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था यूरोप तो फ्लाइट में मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी वो वहीं की थी ब्रिटिशर थी तो उनसे बात होने लगी फ्रॉम विच कंट्री बिलोंग्स टू मैंने कहा पाकिस्तान तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के लेजेंड्स के नाम बताने शुरू किए मुझे कि तुम वहाँ से हो अच्छा हाँ कि मैंने इमरान खान को देखा था मैंने तुम्हारे उसका वो देखा था मैंने वो शाहिद अफरीदी वो लोगों को तो पाकिस्तान माशाल्लाह देखें चीज़ को आपके हाथ में पानी है इस वक्त गिलास है इसमें आधा आधा भरा हुआ है. अब आप दो तरीके से बात करते हैं एक तो आप कहेंगे ना कि ये कहेंगे यार आधा भरा हुआ है एक कहेगा यार ये तो आधा खाली है जी तो देखने के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है के ऊपर आपके ऊपर है कि आप गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं आधा खाली देखते हैं आप ठीक है आप हमारे पाकिस्तान इस पर इतनी चीजों से माला माल है इतनी अभी मैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ गया हुआ था शूट के ऊपर हंजा और गिलगित वगैरह मैं कहता हूँ जो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं ना या जो यूरोप जाते हैं देखने या जो लैंडस्केप या ब्यूटी देखने जाते हैं उनसे कहें जरा पाकिस्तान को देखें पहले पूरा पाकिस्तान देख लें ये जो इलाके हैं ना हंजा गिलगित ये उधर के एरियाज को जरा देख लें
उसके बाद में जरूरत नहीं रहेगी। हाँ। या ये जो जो बाहर की टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनसे कहें पहले पाकिस्तान की टूरिज्म को जरा एक दफा देख लीजिए, कितनी ब्यूटी है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा, और हम मालामाल हैं, टैलेंट भी हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा आ गया है, हमारा टैलेंट, हमारा हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारी म्यूजिक, हमारी स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स गुड्स, ये वर्ल्ड में मशहूर है। बात यह कि आप उसको किस तरह दिखाते हैं। हाँ। अगर देखिए पूरी दुनिया में क्राइम होता है, पूरी दुनिया में क्राइम होता है जी। जितने उनको हाईलाइट, हमारे यहाँ फिर वही वाली बात, अगर मैं उसको दरा नगर लगे चैनल जो है इतना वो हाईलाइट कर देता है, एक लड़का मर गया, एक लड़का मर गया, एक लड़का मर गया, यार या वो छुरी मार घुस गया, तो अब वो इतना उसको पॉजिटिव चीजें, आपका मतलब है उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, चीजें हमारी बहुत ज्यादा हैं, पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, उनको हाईलाइट करते रहे आप, क्योंकि ऐसे जो प्लेटफॉर्म स्पेशली जो चैनल्स हैं वो बहुत अच्छे एक होता है ना तरबियत का जरिया है हमारे पास, हमारे यूथ के लिए, तो हम लोगों को ऐसी चीजें पॉजिटिव चीजें बनानी चाहिए जिससे वो सीख सके। इस पे सर हम बात करेंगे, मैं जावेद भाई से भी पूछना चाह रही थी, जावेद भाई असा एडा सारा प्रॉब्लम्स उन्होंने जो असा डिस्कस किया कि एजुकेशन जो मसला, कैरियर जो मसला है, असा इलाही सारा जो यूथ फेस करे पे, उनके सॉल्यूशंस तानी नजर में छाइन, ॾिसो सोल्यूशन त काफ़ी आहिनि अगरि उन्हनि खे ॾिठो वञे। हिकिड़ो त पोटेंशियल आहे असांजी जेका सोसाइटी आहे, उनमें जेके स्टूडेंट अचनि था या यूथ आहे, पोटेंशियल तमामु घणो आहे, साईं बि इन ते ॿुधाए पियो त हर हवाले सां एजुकेशन जे हवाले सां पोटेंशियल आहे। पर हाणे सोल्यूशन इहो आहे त हिकिड़ो त स्टेट पंहिंजी जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उहा शो करे, रियासती इदारा जेका आहिनि, छो त सभई रिसोर्सिस रियासत वटि आहिनि, जेका स्टेट आहे उहा स्ट्रॉन्ग हूंदी आहे, उन जा रूट्स हूंदा आहिनि, उनजो डिपार्टमेंट्स हूंदा आहिनि, त जॾहिं स्टेट ओनरशिप ॾींदी यूथ खे ऐं उहा एजुकेशन खां वठी जॉब एम्प्लॉयमेंट ताईं, हायरिंग ताईं, उन्हनि जा फिनेंसिस, उन्हनि जी सोशल सिक्योरिटी, उहे सभु शयूं अगरि स्टेट उन्हनि खे प्रोवाइड कंदी त हिकिड़ो जेन्युइन सिटीज़न हिकिड़ो तव्हांजो मार्केट में ईंदो। सेकेंडली जेके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि उहे बि स्टेट फंडेड हूंदियूं आहिनि समटाइम्स, त उहे अगरि उहे बि कनि, असां वटि थिए ईअं थियो त एन जी ओज़ बि हिकिड़ो चयो वञूं आहे त बाबा कमाइण जो हिकिड़ो ज़रियो आहे, तव्हां एन जी ओ में जेको कमु कनि था उहे बि रुगो पाण कमाइनि था पर हेठि उहे घटि था ॾियनि। ईअं न हुजणु घुरिजे, गवर्नमेंट ऐं नॉन गवर्नमेंट ॿई गॾिजी करे ओनरशिप ॾियनि ऐं उहे उन्हनि वटि ई सोल्यूशन आहे। सोल्यूशन इहो आहे त बाबा जॉब्स जे हवाले सां ॾिसो न, पॉलिसी मेकिंग त ईअं ई करे सघनि था न, हिकिड़ो स्टूडेंट आहे उहो अगरि ग्रेजुएट थिए थो, जीअं सोनू वेठो आहे, हीउ कंप्यूटर साइंस में ई ग्रेजुएशन करे आया, हिननि जी फील्ड ॿी थी वई, पर अगरि ही उते ई रहनि हा त ज़ाहिर आहे हिननि खे मसाला थियनि हा फील्ड में, त बाबा कंप्यूटर साइंस जा त हर साल 20,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट निकिरनि था ऐं जॉब्स आहिनि हार्डली थाउज़ेंड्स में, 2,000 आहिनि के 1,000 आहिनि 800 आहिनि, स्टूडेंट अचनि था 20,000। त हाणे इहो इहो जेको आहे उहो स्टेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त उहो एतिरियूं जॉब क्रिएशन कीअं उन में, मतलबु स्टेट खे कीअं अवेयर करियो, स्टेट त आई मीन लॉज ठाहे न अहिड़ा, ॾिसो लॉज आहिनि हर शइ, पर इम्प्लीमेंटेशन जो इशू आहे, उहो नॉन सीरियसनेस आहे, स्टेट जे तरफ़ां बि आहे, गवर्नमेंट्स जे तरफ़ां बि आहे ऐं हेठि सोसाइटी जे तरफ़ां बि आहे, पेरेंट्स जे तरफ़ां बि आहे, जेके असांजा फोकल पर्सन्स आहिनि सोसाइटी या नोटेबल्स आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां बि आहे, त फोकस न आहे बेसिकली, जेको डिबेट आहे मूं जीअं तव्हांखे सवेरे चयो त डिबेट जनरेट कजे हिन ते हर फोरम ते, मीडिया ते, मीडिया ते असां वटि केतिरी डिबेट आहे त बाबा यूथ 63% पॉपुलेशन आहे उन जो छा पियो थिए, असां वटि डिबेट आहे ई कोन, असां वटि आहे ब्रेकिंग न्यूज़, ॾिसो न मीडिया बि सिर्फ़ु ब्रेकिंग न्यूज़ त बाबा छुरे वाला घुस गया कराची शहर में, हाणे मतलब पॉजिटिव शयूं तव्हां चओ पिया हुजनि, अच्छा जे डिबेट हुजे, जेके माण्हू तव्हांखे यंगस्टर्स ॾिसण पिया, जेके व्यूअर तव्हांखे ॾिसण पिया, तव्हां उनखे मैसेज छा ॾींदो? मैसेज इहो आहे त पोटेंशियल तमामु घणो आहे तव्हां सभिनी में, जेके असांजा नौजवान आहिनि उन्हनि में तमामु घणो आहे, हू पंहिंजे पाण खे एक्टिव रखनि, इंगेज रखनि, कम्युनिटी लेवल ते इंगेज रखनि, पॉलिटिक्स में इंगेज रखनि, इकोनॉमिक्स ते ॻाल्हाइनि, ऐं उहो तॾहिं ई थी सघे थो जॾहिं हू एजुकेटेड हूंदा, एजुकेशन हूंदी उन्हनि वटि, स्किल जेके आहिनि पंहिंजा उनखे प्रॉपर पॉलिश करे पॉजिटिव यूज़ कनि, पॉजिटिव यूज़ कनि ऐं पॉजिटिवली शयुनि खे अॻिते वधाइनि, हार्ड वर्किंग कनि, हार्ड वर्किंग खां सवाइ कुझु न आहे, जे तव्हां महिनत न कंदो कंहिं बि फील्ड में त ज़ाहिर आहे तव्हांखे उनजो सिलो न मिलंदो। सही सर, आप कोई मुख़्तसर मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स? मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा कि अगर आप एक एक मिसाल दूंगा मूवी का, आप सब लोग देख सकते हैं द सीक्रेट, एक अमेरिकन मूवी द सीक्रेट, उसको देखें, वो कहते हैं कि जब आप अच्छी 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 बातें सोचने लगते हैं ना, अच्छा अच्छा देखने लगते हैं तो अच्छा माइंड को आप कैसे जी पूरा माइंड तो अच्छा अच्छा होने लगता है आपके साथ। अगर आप देखिए वाइब्स होती हैं दुनिया, अगर आप बुरा सोचते रहेंगे ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, वो भी, तो आपको ये सब बुरे, ये सब बुरा रिएक्ट करेंगे आपके साथ, फिर ये बुरा करेंगे। अगर आप कहेंगे ये कितना अच्छा आदमी है, मुझे कितनी अच्छी बात करता है, ये आपके लिए अच्छा होगा,
तो प्लीज ये जो 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 ब्रेकिंग न्यूज बुरी खबरें देते हैं ना कि ये मार दिया छुरा कूद के, भाई दिन भर में ना जितनी बुरी होती है ना उससे कई गुना ज्यादा अच्छी बातें भी अच्छी होती हैं भी हमारे शहर में, उनको भी हाईलाइट करें। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अरफा करीम, ये जो टैलेंट, ये जो बड़े बड़े टैलेंट है जिन्होंने नाम रोशन किए, गूगल सर्टिफाइड, जो जो अमेरिकन से एक बच्चा 9 साल का बच्चा ने गूगल सर्टिफाइड किया जो पूरी दुनिया के ज्यादा रिकॉर्ड ले गया, उसको भी तो हाईलाइट करें, उसको भी तो लाएं, उसको दिखाएंगे ये बच्चा हमारा मुल्क है। आप पोस्टर्स लगा दें, होर्डिंग्स लगा दें कि यार ये देखें इसने क्या किया, ये क्या। जब एयरपोर्ट से आप दुनिया भर में कहीं दाखिल होते हैं तो शहर में आपको पता लगता है अच्छा यहाँ ये होता है, अच्छा यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ वो वाली बात। आप उसको अच्छा 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 करके जितना बच्चों अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, जितना अच्छा सोचोगे ना। सीक्रेट देखें आप जरा फिर उसमें, ये दिखाता है कि एक आदमी अपने माइंडसेट को आप कैसे उसकी नशोनुमा कर सकते हैं, अच्छी चीजें कैसे उसमें डाल सकते हैं। जितनी बुरी वाइब्स आपके गिर्द घूमे, मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगा ना, बुरा सोचूंगा मेरे दिमाग में उतनी बुरी चीजें आती रहेंगी, आप भी मेरे साथ उतनी बुरा रिएक्ट करेंगे, लोग मैं आपके बारे में अच्छा करूंगा। मैं आपके साथ कहते ना, जो चीज आप बांटेंगे वही चीज आपको मिलेगी। आप लोगों को आसानियां दें, आपको आसानियां मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों की मशहूर हूँ सर। तव्हांजी बि सोनू, तव्हांजी बि तव्हां पंहिंजो टाइम कढी असां वटि आया, असांखे एॾी तव्हां इज़त बख़्शी। नाज़िम तव्हांखे ॿुधायां की असांजी ॻाल्हि ॿोल यूथ जे जेके प्रॉब्लम्स आहिनि, जेके सॉल्यूशन्स आहिनि, उन्हनि ते हली पए। इलाही टैलेंटेड ॿार आहिनि, इलाही टैलेंटेड जेका असांजी यूथ आहे, इलाही टैलेंटेड आहे। तव्हांखे सिर्फ़ु ज़रूरत आहे पंहिंजे जेके स्किल आहिनि उनखे तव्हां पॉज़िटिव यूज़ कयो, उनखे तव्हां सम्झो, ऐं पंहिंजे जेके स्किल आहिनि तव्हांखे कीअं ख़बर पवंदी, पाणे पाण ते थोरी महिनत कयो। सर बिल्कुलु सही चयो, द सीक्रेट मूवी ॾिसो, उन में तव्हां पंहिंजे माइंड सेट खे कीअं बहितर करे सघो था, पॉज़िटिव शयूं की था ॾिसी सघो। ऐं हिते तव्हांखे मां नंढड़ी दुआ ॾींदमि, इख़्तिताम जेको असां सोनू जे गाने ते कंदासीं, नंढड़ी दुआ ॾींदमि, ख़ुशि रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, ख़ुशियूं विरायो, मोहबतूं विरायो, अलाह हाफ़िज़ जी सोनू। सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू, सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधीरा लखनि में सुहिणा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधीरा लखनि में सुहिणा माण्हू। टोपीअ जे रक पटे को कुआड़ी भलो मिया, टोपीअ जे रक पटे को कुआड़ी सिंधियुनि जो वाशान प्यार, सिंधियुनि जो वाशान प्यार, सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधेरा लखनि में जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन नन 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 जनन जनन जन जनन नन नन जनन नन नन जनन नन जनन नन नन जनन नन नन जनन नन जनन नन जनन नन जनन नन जनन नन 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 जनन नन नन जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, हो नाल बजे हो नाल बजे हो नाल बजे घड़ी याल सदा झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सगी शहबाज कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर।
दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त रखियो बना झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दा बैला नंबर जो भरे